देखो चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? जैसे सोचो कि मैं ऋतिक से मैंने 1000 का सामान परचेज किया, मैंने कोई गुड्स परचेज किया है ऋतिक से 1000 का, पर मैंने वो उधार में खरीदा है, पैसे देकर नहीं, मैंने उधार में लिया है। तो उसने कहा कि मैम आप कब तक पैसे दे दोगे? मैंने कहा कि मैं 3 महीने बाद दे दूंगी। उसने कहा ठीक है, तो मेरा ड्यू डेट क्या है? 3 महीने के बाद। फिर मैंने कुछ टाइम के बाद, 10 दिन के बाद, मैंने प्राची से कुछ सामान खरीदा, उसको मैंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें ये पैसा 2 महीना बाद दे दूंगी। फिर मैंने ऋतिक से कुछ परचेज किया, फिर मैंने कुछ प्राची से परचेज किया, पर ये मैं जो भी परचेज करती हूँ ये मैं हमेशा उधार में करती हूँ, क्रेडिट में। हमेशा मैं बोलती हूँ कि बाद में पैसा दे दूंगी। तो अभी अलग अलग ड्यू डेट आ गया, क्योंकि एक जिसका सामान मैंने पहले खरीदा था उसका 3 महीने बाद, दूसरी बार जब खरीदा तो मैंने कोई और डेट दिया, ऐसा करके मैंने बहुत सारा डेट दे दिया है। तो अभी अब बहुत सारा डेट जमा हो गया है, तो हम क्या किए? हम बोले इतना डेट, अलग अलग डेट पे पैसा नहीं देंगे, एक काम करते हैं हम तुम दोनों का एक डेट निकालते हैं कुछ कैलकुलेशन करके, और पूरा पैसा उसी दिन में हम दे देंगे। तो हम क्या किए, एक बार में इतना अलग अलग डेट में हम पेमेंट नहीं करके एक ही बार में पूरा पेमेंट कर देंगे एक ही डेट पे। पर वो कौन सा डेट पे हम पेमेंट करेंगे? कभी डेट होगा सोचो 10th जनवरी, कभी डेट आया होगा 29 फेब, कभी आया होगा 3rd मार्च 2020, ऐसा बहुत सारा डेट आया है, पर अभी हम वो कौन से डेट में पेमेंट करें? तो इसके लिए हम लोग ये सम करते हैं, ठीक है? तो पहला सम देखो, एवरेज ड्यू डेट निकालने का पहला इलस्ट्रेशन 1 में लिखा है, द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन बिटवीन द सेम पार्टीज। दो पार्टी के ही बीच में, मतलब मेरे और प्राची के बीच में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ है, हम उससे बहुत सारा गुड्स खरीदे हैं पर अलग अलग डेट में खरीदे हैं, तो अलग अलग डेट पे हम बोले थे कि पे करेंगे। तो अभी वो कौन कौन सा डेट है? ड्यू डेट है 3rd जुलाई, 2nd अगस्त, 11th सितंबर। हम बोले हम ये 3 डिफरेंट डेट पे तुमको पेमेंट करेंगे। 3rd जुलाई को हम तुमको 500 देंगे, 2nd अगस्त को हम तुमको 800 देंगे, 11th सितंबर को हम तुमको 1000 देंगे। पर अब हम चाहते हैं सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स मे बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। तो दोनों ही पार्टी को कोई लॉस ना हो, ऐसा कौन सा डेट पे पैसा हम दें? तो ये सम पहले स्टार्ट करो, लिखो इलस्ट्रेशन 1, ठीक है? ऊपर लिख दो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। पहला लिखो यहाँ पे ड्यू डेट, ड्यू डेट 3 दिया हुआ है, तीनों लिख लो, दैट इज 3rd जुलाई, 2nd अगस्त और फिर 11th सितंबर, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? अमाउंट, अमाउंट है 500, 800 और 1000, ठीक है? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ डेज में क्या लिखेंगे कि कितना दिन हम लोग उधार रखे हैं। एक हम लोग लेंगे बेस डेट। बेस डेट किसको लिया जाता है? सबसे पहले वाले को हम लोग बेस डेट ले लेते हैं, सबसे पहले वाले को हम लोग बेस डेट लेते हैं। तो बेस डेट हम लोग का क्या है? 3rd जुलाई, ठीक है? अब 3rd जुलाई से बेस डेट तक जाएंगे तो कितना दिन होगा? कोई भी दिन नहीं, जीरो, ठीक है? सेकेंड, अब 3rd जुलाई से 2nd अगस्त कितना दिन होता है, ये काउंट करना होगा। 3rd जुलाई से 2nd अगस्त कितना दिन होता है? नॉर्मली क्या होता है, 3rd जुलाई से हम लोग को 2nd अगस्त तक जाना है, इसमें 3rd जुलाई को भी लेंगे, ठीक है? जैसे 3, 4, देखो ये कैसे समझेंगे, जुलाई में कितना, आर्यन म्यूट कर लो,
31 माइनस 3 कितना होता है? 28। और अगस्त का कितना दिन हुआ? 2 दिन। तो टोटल कितना आया? 30। इस तरह कैलकुलेट करना है। कोई कैसे किया हमको नहीं पता, ऐसे किया जाता है। जैसे जुलाई में कितना दिन होता है? 31 डेज। और उसमें कितना दिन हो गया? 3। तो 3 हटा देंगे, मतलब 28 डेज जुलाई का और 2 दिन अगस्त का, मतलब टोटल 30 डेज। तो यहाँ तो जुलाई का होगा 31 माइनस 3, 28, 39 हो रहा है। एक बार देख लो, जुलाई अगस्त में कितना दिन होता है? 31। सितंबर में कितना? 11। देखो हर चीज सितंबर का, हर चीज को कंपेयर करो 3 जुलाई से, बेस डेट से, इन सारे डेट को कंपेयर करो। पहला 3 जुलाई से 3 जुलाई 0, 3 जुलाई से 2 अगस्त 30 डेज, 3 जुलाई से 11 सितंबर 70 डेज, 3 जुलाई से कैसे 31 माइनस 3 28, अगस्त में पूरा 31 होता है तो 31, सितंबर में 11 क्योंकि 11 डेज ही दिया है तो दैट इज 70। इसको प्लस करेंगे तो आएगा 100 डेज, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, अब निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसको? इन दोनों को। तो 500 से 0 करेंगे तो 0, 800 से 30 को इंटू करेंगे तो 2400, 8 से 24 और 3 0, ठीक है। इसको करेंगे तो 70,000, इसको प्लस करेंगे तो 94,000। अमाउंट को टोटल करो, अमाउंट को टोटल करने से कितना आएगा? 2300, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या है? बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट। बेस डेट कितना है? 3 जुलाई। टोटल प्रोडक्ट कितना है? 94,000। टोटल अमाउंट कितना है? 2300। तो 3 जुलाई प्लस, इसको डिवाइड करो, 94,000 डिवाइडेड बाई 2300 तो आएगा 40.87 डेज, ठीक है। अब 3 जुलाई से 40 दिन आगे चले जाओ तो कौन सा डेट आएगा? 3 जुलाई से अगर हम लोग 40 डेज आगे चले जाएं तो जुलाई में तो 28 डेज हो गया, अगस्त में और कितना दिन डालेंगे 40 डेज के लिए? हम लोग कितना देंगे? 12, है ना, 12 डेज देंगे। अच्छा, ये अगर 40.87 आया है तो ऐसे डेज नहीं लिखकर हम लोग इसको 41 डेज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा? 13, तभी तो इसको प्लस करेंगे तो 41 आएगा, मतलब 13th अगस्त। तो हम क्या सिखाएं? एक बेस डेट लेंगे, बेस डेट से इन सबको कंपेयर करके पहले नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे, फिर अमाउंट को और नंबर ऑफ डेज को इनटू करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर एवरेज डेट का फॉर्मूला होता है बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल अमाउंट। बेस डेट है 3 जुलाई, टोटल प्रोडक्ट है 94,000, टोटल अमाउंट है 2300। इसको हम लोग डिवाइड किए तो 40.87 आया, पर इस तरह कोई डेज कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको होल्ड कर देंगे 41 डेज। अब 3rd जुलाई से 41 डेज अगर कैलकुलेट करें तो कितना डेट आएगा? ये कैसे करेंगे? जुलाई में तो 28 डेज हो गया, अगस्त का और 13 ले लेंगे तो 41 डेज हो जाएगा, मतलब 13th अगस्त हम लोग का ड्यू डेट होना चाहिए। सारा पेमेंट हम लोग 13th अगस्त को कर देंगे। अब हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 2। इसमें बोल रहा है द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई।
एक्स का वाई से उधार है, वाई वॉन्ट्स टू पे ऑफ ऑन 18th मार्च और दूसरा है 14th जुलाई। इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम। इसमें दो सम दिया है, पहले हम लोग ए कर रहे हैं जिसमें ड्यू डेट जिसमें वो बोला था पेमेंट कर देगा 18th मार्च को, ठीक है। तो कुछ नहीं, सम देखते ही हम लोग का पहला काम है सम दे, एक सेकेंड। तो ड्यू डेट कितना है हम लोग का, ड्यू डेट है 10th जनवरी 26, अच्छा 26th जनवरी। एक चीज समझो, कोई भी जो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्लास 11 में पढ़े थे, जो कंफर्म्ड छुट्टी होता है जिस दिन पूरे इंडिया को पता होता है कि नेशनल हॉलीडे है, वो डेट पे अगर ड्यू डेट है तो उसका प्रीवियस डेट ले लेंगे, मतलब प्रीसीडिंग डे। 26th जनवरी सबको पता है रिपब्लिक डे है, तो अगर ये नेशनल हॉलीडे है और हम लोग को पता है कि 26th जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, तो इसका ड्यू डेट हमेशा पहले का होगा। ये बात हम नोट में लास्ट में लिखवा देंगे। तो लिखो 25th जनवरी, 26th जनवरी दिया हुआ है पर हम लोग लिखेंगे 25th, क्योंकि 26th को नेशनल हॉलीडे है, तो जब भी नेशनल हॉलीडे होगा तो उसका एक दिन पहले ले लेंगे, प्रीवियस डे, इसलिए 25th जैन। उसके बाद है 23rd मार्च, उसके बाद है 18th अगस्त। 18th अगस्त संडे है, तो अगर संडे है तो सबको पता है बैंक हॉलीडे होगा, बैंक बंद होगा, तो उसका एक प्रीवियस डे ले लेंगे, दैट इज 17th अगस्त। अब लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट कितना है, 500, 1000, 3000, 4000। थर्ड कॉलम बनता है नंबर ऑफ डे, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कैसे, इसमें हम लोग को बेस डेट लेना होगा। बेस डेट क्या है हम लोग का, 10th जैन, क्योंकि जो सबसे पहला डेट देता है उसको हम लोग अपना बेस डेट लेते हैं, तो 10th जैन लिए, तो पहला क्या होगा, 0। अब दूसरा कैलकुलेट करो, 25th जैन से 10th जैन, तो हम क्या बोले, हमेशा माइनस कर देना, तो कितना आएगा, 15। उसके बाद है 23rd मार्च से 10th जैन का दूरी, कितना दिन होगा, जैन का तो 31 - 10, दैट इज 72। हाँ, फेब का कितना दिन होगा, 28, और मार्च का कितना है, 23। तो ये कितना आएगा, अच्छा फेब का तुम लोगों ने क्या लिया, ये लोग, हाँ ये तुम फेब का कितना दिन लिए, 28 ही ना, तो यहाँ कितना है 2 और ये कितना है 7, तो 72। उसके बाद फिर ये लास्ट वाला करेंगे, जैन का कितना, 21 मैम, 21 28, हाँ उसके बाद 31, हाँ प्लस 13 मई जून, जैन फेब मार्च, मार्च अप्रैल, अप्रैल का 30, मई का होगा 31, जून का 31, जुलाई का 31, अगस्त का 18, अगस्त का 17, 17, 17, हाँ इसको प्लस करो, तो आ गया 219। अमरूप आंसर दे रहे थे ना, बिल्कुल करें। अमाउंट को और नंबर ऑफ डेज को इनटू करते हैं, तो 72 × 3000 मतलब 2,16,000, और 219 × 4000 मतलब 8,76,000।
करना होता है, तो आएगा 110700। अब अमाउंट को प्लस करना होता है, 8500। अब एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या था? बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो फिर 10th Jan प्लस कितना दिन होगा इसको डिवाइड करने से? 130.23। तो हम लोग ले लेंगे 131 डेज। जब भी डेसिमल में आएगा उसको एक कंप्लीट पूरा फुल डेज कर देना, डेसिमल में कोई डेज कैलकुलेट नहीं होता है। अब 10th जनवरी से 131 डेज आगे जाएंगे, आफ्टर जाएंगे, तो कौन सा दिन आएगा? ये कैसे करते हैं? जनवरी में कितना? 31 - 10 मतलब 21। फेब में कितना? 28। मार्च में कितना? 31। अप्रैल में कितना? 30। मई में क्या होगा? 31। इसको एक बार प्लस करके देखो, 131 होता है? नहीं, 141 हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो मई में थोड़ा कम दिन लेना पड़ेगा, तो कितना आएगा? मैम 21 में होगा। हाँ, 21 हो जाएगा। इसको पूरा 120, इसको अगर 21 लेंगे तो पूरा 131 हो जाएगा। तो हम लोग का आ गया 21st में। ये हम लोगों का एवरेज ड्यू डेट है। अब यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग बोले कि हम लोग पैसा देंगे 21st मई को, हम लोग अपना ड्यू डेट क्या निकाले कि हम लोग आपको पैसा देंगे 21st मई को, पर सम में लिखा है वाई वॉन्ट्स टू पे ऑफ ऑन 18th मार्च, पर ड्यू डेट आ रहा है 21st मई। अगर हम लोग 21st मई को पे करते हैं तो ना उसका फायदा होगा ना मेरा। तो यहाँ बोल रहा है कि हम लोग पे करना चाहते हैं 21st मई को। एवरेज ड्यू डेट का मतलब है वी वॉन्ट टू पे, मतलब हम लोग अगर इस दिन पे करेंगे तो हम लोग को कोई फायदा नुकसान नहीं होगा और सामने वाले को भी कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। इस दिन पे करेंगे तो, पर हम चाहते हैं कि हम 18th मार्च को ही पे कर दें। इस दिन पे करेंगे तो नो वन हैव प्रॉफिट और लॉस, बट अगर हम 18th मार्च को पे, हम चाहते हैं पे कर देना 18th मार्च को, तो अगर हम ड्यू डेट के पहले पे कर देंगे तो मेरे को इंटरेस्ट का फायदा होगा, मेरे को सामने वाला कुछ डिस्काउंट देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि देखिए आप 21st मई को पे करने का बात हुआ था, आप बहुत पहले पे कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। तो उसी तरह अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट कितना, अमाउंट पे। इंटरेस्ट किस पे मिलता है? हमेशा हम लोग को अमाउंट के ऊपर। तो ये इंटरेस्ट क्या है? अगर हम समय के पहले पे कर देंगे तो हम इसको इंटरेस्ट नहीं, तब हम इसको डिस्काउंट कहते हैं, क्योंकि वो मेरे को डिस्काउंट देगा। कितने अमाउंट पे? 8500 पे। कितना परसेंट देगा? सम में देखो लिखा है 8%, तो 8/100 इंटू कितने दिन का मेरे को डिस्काउंट मिलेगा? 21st में से 18 मार्च का दूरी बताओ, 18 मार्च से 21st मई का मेरे को डिस्टेंस बताओ। 64 डेज। ये कैसे आया ज्योति मोय, तुमको दिक्कत होता है इसलिए हम बता दे रहे हैं कैसे आता है ये। देखो मार्च में कितना दिन होता है? 31। हम बोले जो भी मंथ उठा रहे हो उसमें टोटल कितना डेज होता है? 31 दिन, और उससे जो 18 दिया है वो माइनस कर दो तो कितना आएगा? 13। अप्रैल का कितना? 30। मई का कितना? 21। तो टोटल कितना होगा? ये आ जाएगा तब हम लोग का 64। हम लोग का 64 आ गया, तो सिर्फ 64 डेज पहले हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो मेरे को डिस्काउंट कितने दिन का देगा? सिर्फ 64 डेज का। हमको पैसा पे करना था 21 तारीख को,
हम पे कर दे रहे हैं समय से पहले, अगर हम ड्यू डेट से पहले पे कर देंगे तो वो मेरे को डिस्काउंट देगा, किस पे, 8500 पे 8%, पर हम जितना दिन पहले दे दे रहे हैं उतना दिन का, तो 64 डेज, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 119 रुपीज, तो वो मेरे को हिसाब से इतना दिन इतना रुपया मेरे को डिस्काउंट दे दे रहा है। बी में मेरे को बोल रहा है कि अगर हम चाहते हैं 14 जुलाई को पे कर देना तो क्या होगा, मेरा एवरेज ड्यू डेट क्या था 21 में, और हम पे करना चाहते हैं लेट, अगर हम लेट पे करना चाहते हैं तब मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8500 का 8%, और कितने दिन लेट कर रहे हैं ये यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, जुलाई का 31 माइनस 14 मतलब 17, जुलाई अगस्त का कितना, सॉरी मई से करना होगा, मई का 31 माइनस 21 मतलब कि मई के बाद जून, जून का तो कितना आएगा 30, 40, 50, 54, ठीक है, तो हम 54 डेज का मेरे को इंटरेस्ट ले लेगा, ये सॉल्व करके कितना आएगा 100.60 रुपीज, ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे को तो कितना पे करना पड़ेगा अमाउंट पेड और उधर पे हमको कितना देना पड़ता, इधर पे हमको कितना देना पड़ता 8500 में, वो मेरे को इतना डिस्काउंट दे रहा है, मैम 8381 पॉइंट, मैम वो तो पॉइंट में नहीं किया, तो पूरा राउंड फिगर में ले करना, इसमें डेसिमल इग्नोर मत करना, ओके, तो आएगा 8380.77 रुपीस। देखो इलस्ट्रेशन 3 में वही कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, पर यहाँ पे डेट ऑफ बिल दिया है और बगल में टर्म भी दिया है, तो इसमें हम लोग को डेट ऑफ बिल का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, डेट ऑफ बिल का कॉलम में जो डेट दिया है वो लिख दो 10th August 2015, 23 October 2015, 14th December 2015, 14th January 2016, 14th March 2016, पर ये हम लोग का डेट ऑफ बिल है, ड्यू डेट नहीं है, हम लोग इस दिन पे सामान खरीदे थे पर बोले थे पैसा देंगे ड्यू डेट पे, ड्यू डेट मतलब टाइम दिया है 10th अगस्त से 3 मंथ आगे जाओ तो कितना होगा, 10th अगस्त से 10th सितंबर, 10th सितंबर से 10th अक्टूबर, 10th अक्टूबर से 10th नवंबर, और बिल अगर होता है तो उसमें 3 डेज ग्रेस डेज मिलता है, मतलब 10th नवंबर में 3 दिन और होगा, मतलब 13th नवंबर 2015, अब 23rd अक्टूबर से 60 डेज आगे जाने बोला है, हाँ बोलो, अब इसमें बोल रहा है कि 23 अक्टूबर से 60 डेज आगे जाओ, तो कैसे जाएंगे, हम बहुत बार बोले हैं जो भी मंथ है उसमें टोटल कितना दिन होता है 31, और जो डेज 25 दिसंबर होगा, हाँ तो यहाँ पे 31 माइनस 23 तो आएगा 8 नवंबर का आएगा, अच्छा
नवंबर में हम लोग लेंगे 30, तो अभी भी 60 डेज तो हुआ नहीं। फिर दिसंबर में अगर 31 ले लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 31 प्लस 30 तो 61 हो जा रहा है। हम लोग को टोटल चाहिए सिर्फ 60, तो यहाँ और कितना दिन डालना पड़ेगा? हम लोग कितना दिन डालेंगे? 60 माइनस 8 माइनस 30 मतलब 22, 22 डालेंगे। और इसमें हम लोग 3 डेज ग्रेस डेज देंगे, तो प्लस 3 करेंगे तो 25, तो टोटल 25 दिसंबर 2015। ठीक है, क्यों तुम लोग बोलोगे 25 दिसंबर? मैम क्रिसमस है तो इस दिन तो नेशनल हॉलीडे होता है, 25th दिसंबर को बैंक बंद नहीं होता है, बैंक ओपन रहता है। फिर 4th दिसंबर से कितना टाइम? 2 महीना। तो 4th दिसंबर से 4th जनवरी, 4th जनवरी से 4th फेब, और 4th फेब में 3 दिन और ऐड होगा, दैट इज 7th फेब 2016। 14th जनवरी से 60 डेज, बताओ मेरे को कोई। मैम 18th मार्च। 18th मार्च 2016, 14th मार्च से 2 महीना, 14th अप्रैल, 14th मई, और उसमें 3 दिन, 17th मई। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अमाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 6000, 5000, 4000, 2000, 3000। अब करो नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज, मेरा डेज लिखने का जगह नहीं है, तुम लोग लिख लो। यहाँ पे हम लोग बेस डेट किसको लेंगे? बेस डेट हम लोग लेंगे 13th नवंबर को। तो पहला तो जीरो होगा, बाकी बोलो। तो प्रैक्टिकली हम लोग नॉर्मली डेज कैलकुलेट किए, उसके बाद प्रोडक्ट निकाल लिए, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 20,000 किए, तो 68 डेज आया। 68 डेज को 13th नवंबर से 68 डेज करेंगे तो हम लोगों का नॉर्मली 20 जनवरी आ जाएगा। नवंबर का 17, दिसंबर का 31 और जनवरी का 20। इस तरह 68 डेज होता है 20th जनवरी, तो इसका एवरेज ड्यू डेट है 20 जनवरी।